पेंशन अधिकारी यात्रा को लेकर निकले डी के सिंगो ने सेगांव पहुंचकर देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद सेगांव ब्लॉक के शिक्षकों के साथ माताजी प्रांगण में बैठक ली और सेगांव में ही टीम का संगठन किया नहीं गठन किया है और सेगांव में ही टीम का गठन किया। बीच की लाइन हटा देना। जिसमें सर्वसम्मति से राकेश पाटीदार को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डी के सिंगो ने बताया कि पुरानी पेंशन को लागू कराने को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अन्य ब्लॉक से होते हुए उज्जैन में समाप्त होगी। उन्होंने नई पेंशन योजना के अनुसार और पुरानी पेंशन क्यों जरूरी है के बारे में बताया। यह यात्रा तब तक निकाली जाती रहेगी जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं की जाती। माताजी मंदिर में कार्यक्रम में संभागीय उपाध्यक्ष अशोक कुशवाहा, रवि चौहान सहित शिक्षक साथी उपस्थित रहे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। बैठ करके उसका साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और नदी सफल और जो सभा की थकान तो है, लेकिन आप लोग जैसे सक्रिय जागरूक लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित रहने पर मुझे ऐसे कोई थकान जैसी जो है वो महसूस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं भाई पाटीदार जी को माफ जाना होता है कि आप आज एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं या उसके वरिष्ठ पदाधिकारी ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में आप आज मनोनीत हुए। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि TWTA मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा संगठन है जो सिर्फ अपने कार्य के बलबूते पर हमको मालूम होना चाहिए कि किसमें रेट अच्छा चल रहा है ना, कठिन काम। अब हमको देखना है कि किसमें रेट अच्छा है, किसमें पेंशन, कौन सी बीमा कंपनी पेंशन ज्यादा दे। हमको भी कोई पॉलिसी लेना होता है तो देख कर पता करते हैं कि किसमें फायदा है। तो 12-60% खाते में आ जाता है तो वो कोई आसान नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो हमारा स्थान है 10% और बाकी 40% को वो कहती है कि आप कोई एक बीमा कंपनी चुन लो और उसमें आपका 40% पैसा ट्रांसफर कर देंगे और वो बीमा कंपनी आपको पेंशन देगी। मतलब देखिए सरकार तो पहले अलग हो गई, अब MSDL कह रहा है कि आप कोई एक बीमा कंपनी चुन, वो कहता है LIC में लगा लो, ICICI में लगा लो, HDFC में लगा लो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।